एसडीओ द्वारा सीडब्ल्यूसी कार्यालय पहुंचकर मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मैनेजमेंट द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जिसे वह बड़ी परेशान चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको ना तो सीडब्ल्यूसी इनके सामने बात करने दे रही है और ना ही उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, इसलिए आज जिला उपायुक्त के निवास पर अपनी समस्या का ज्ञापन देने के लिए पहुंची हैं और अपनी समस्या से जिला उपायुक्त को अवगत करवाएंगी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त द्वारा उनकी बात सुनी गई और उनके समाधान के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया गया। कहाँ से आए हैं आप? मैं श्रद्धालय से आई हूँ और हमें जो वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता और जो मैनेजमेंट है वो हमसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती और हमें धमकी दी जाती है कि अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो और हमें ये कहा जाता है कि नारायणनिकेतन में रह लो। अब हमें ये बताओ कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हम नारायणनिकेतन में रहने के लायक है, और वो हमसे इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हम। हमें बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये मैनेजमेंट नहीं चाहिए। हमने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ करा था, लेकिन हमारी बात को दबा दिया गया। हम इतने टॉर्चर में नहीं रह सकते। कितने लड़के हैं आप? हम हैं यहाँ पर 12 बच्चे। क्या करने आए हैं आप? हम यहाँ पर हम न्याय मांगना है कि हमें वो मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ज्ञापन देने आए हैं आप? हाँ जी। दिखाना ज्ञापन। वो हमें मैनेजमेंट हमें परेशान करती है, हमें किसी से कोई बात नहीं करने देती है, ना हमें सीडब्ल्यूसी से बात करने देती है, हमें मना करती है कि सीडब्ल्यूसी वालों को कुछ भी नहीं बताना, किसी को कोई शिकायत नहीं करनी। और हमारी दीदियों ने उल्टा टॉर्चर करती हैं वो सारे। क्या नाम है? काजल। उन्होंने एक लेडी को अंदर वो हमारे लिए नियुक्त किया, लेकिन उस लेडी ने सबसे पहले हमारी एकता को तोड़ा, हम बच्चों को दो भागों में बांट दिया और उन बच्चों और वो बच्चे और उनको ये कहा गया कि वो हमें परेशान करे, हमें डिस्टर्ब करे, वो 24 घंटे वो बच्चे हमसे लड़ते हैं। अगर वो हमारे लिए आई थी तो उसको हमारी एकता को बनाए रखना था, उसको किस अधिकार से उसने हम बच्चों की एकता को तोड़ा? और उसके बावजूद वो लेडी हमें सब कुछ दे और उसने बच्चों को चीज़ों का लालच दे के तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। इससे बहकामे गए, उसने मैडम के खिलाफ लेटर लिखवाया उनसे। ये तो गलत है, हम सब ये टॉर्चर में नहीं रह सकते, हम कब तक चुप रहेंगे? अब क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करते हैं कि न्यू मैनेजमेंट को जो है हटा दिया जाए, हमें नहीं चाहिए वो। किस प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको? बहुत प्रकार की दिक्कत है हमें। हाँ बोलिए सर। हमें मैनेजमेंट कहते हैं तू तड़के से बातें करती है हमारे से और हमें कहते कि तुम तो चले जाओ यहाँ से अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना, और बच्चों को अपनी साइड कर ले, उन्हें सामान का लालच दे दे के हमारे बीच में फूट डाल दे, कोई प्यार से रहता ही नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहती दिन रात। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।